ताहिर होम्योपैथिक क्लिनिक। ताहिर होम्योपैथिक क्लिनिक, अपनी मिसाल आप। अगर आप शेयर टीका या मोहरों के दर्द में मुब्तला हैं, तो अब बगैर ऑपरेशन आप ठीक हो सकते हैं। शेयर टीका के बायस आपकी जिंदगी अजीर्ण हो जाती है और मोहरों के अमराज की वजह से मरीज अपाहज भी हो सकता है। अमूमी तौर पर इसका वाहिद हल ऑपरेशन ही बताया जाता है, लेकिन ताहिर होम्योपैथिक क्लिनिक से इलाज के बाद बगैर ऑपरेशन आप ठीक हो सकते हैं। ताहिर होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर मियां ताहिर इकबाल, एड्रेस 66 ग्राउंड फ्लोर अल लतीफ सेंटर, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग 3, लाहौर। ताहिर होम्योपैथिक क्लिनिक। शेटिका है क्या? शेटिका एक प्रॉब्लम का नाम है, ये कोई डायग्नोसिस नहीं है। जब हम डायग्नोसिस करते हैं तभी हमें मालूम होता है कि प्रॉब्लम है क्या, इसकी असल वजह क्या है, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, जिनको हम शेटिक नर्व कहते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। और ये शेटिक नर्व जब अपने रूट पर किसी जगह दबती हैं, तो जिस्म का सुन होना, लंगड़ाहट, जलन पूरी बैक लेग पर होती है, जिस प्रॉब्लम को हम शेटिका कहते हैं। ये दाएं या बाएं किसी भी टांग पे हो सकती है। अगर राइट लेग पे होगी तो राइट शेटिका, और अगर लेफ्ट लेग पे होगी तो लेफ्ट शेटिका होगी। शेटिक नर्व होती क्या है? L4, L5, L5, S1 नर्व रूट, और इसके साथ S2 और S3 भी होता है, लेकिन वो इतना अहम नहीं होता क्योंकि वहां दबाव इतना नहीं होता। जब नर्व L4, L5 और S1 के साथ से गुजरती है तो ये हमारे हाथ के अंगूठे जितनी मोटी होती है, और ये प्रीफॉर्म सेंड्रोम्स मसल्स के दरमियान से घुटने के पीछे दो शाखा होकर पिंडली से होती हुई पांव तक जाती है। जब ये अपने रूट में अपनी किसी शाख में किसी भी दबाव का शिकार हो तो इसे शेटिका कहते हैं। इसकी वजूहात क्या होती है? L4, L5 और L5, S1 का डिस्क कोलैप्स होता है तो पीछे पड़ी नर्व को छूती है, और जब ये नर्व दबती है तो जहां जहां से ये नर्व गुजरती है तो इसमें दर्द, जिस्म का सुन होना, लंगड़ाहट, जलन महसूस होती है। केनाल स्टेनोसिस, ये दो तरह की केनाल होती है, एक सेंट्रल केनाल और दूसरी फॉर्मिनल केनाल। सेंट्रल केनाल में नर्व बड़ी होती है, जब डिस्क पीछे की तरफ निकलती है तो इसका डायामीटर कम हो जाता है, तो केनाल स्टेनोसिस तंग हो जाती है। जब केनाल स्टेनोसिस तंग हो जाती है तो इसके पीछे स्ट्रक्चर लेगामेटिनियम फ्लॉम फूल जाता है और सेंट्रल केनाल तंग हो जाती है। सेंट्रल केनाल तंग होने के बायस नर्व दब जाती है और असरात पीछे की तरफ महसूस होते हैं। शेटिका हमेशा कूल्हे के पीछे से टांग की पिछली तरफ से होती हुई पांव तक जाती है, लेकिन शेटिका का दर्द हमेशा टांग और कूल्हे के पिछले हिस्से में होता है। फॉर्मिनल केनाल, जब डिस्क प्लच पीछे की तरफ निकलती है तो फॉर्मिनल केनाल को दबा देती है, और इसी के दबाव के नतीजे में पता चलता है कि राइट शेटिका है या लेफ्ट शेटिका। डीजनरेटिव डिस्क, ये एक बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी है, लेकिन आजकल नौजवानों में भी बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। जब हम MRI देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्क डेसिकेशन लिखा होता है। डिस्क डेसिकेशन नौजवानों की बीमारी है। हमारी एंट्रोट्रैबल डिस्क पैदाइश के वक्त 80% पानी से भरी होती है, लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, यानी हम 35 से 40 साल में आते हैं, तो ये पानी की मिकदार 65 से 60% तक आ जाती है। हमारी डिस्क कुशन की तरह होती है, जो हमारे मोहरों को एक दूसरे से अलग करती है और मोहरों के दरमियान में शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है, जो जिस्म को आगे पीछे और दाएं से बाएं हरकत में मदद फराहम करती है। इंट्रोवर्टिबल डिस्क दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, दरमियानी हिस्सा न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो कि जेली की तरह का मवाद होता है और डिस्क का बैरूनी हिस्से में वजन की ज्यादती की वजह से मुतासर होता है, तो वो न्यूक्लियस पल्पोसिस से निकलने वाले जेली जैसे मवाद को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से डिस्क स्लिप करती है और पिछले हिस्से में शेटिक नर्व मुतासर करती है। डिस्क डिहाइड्रेशन, जब इंट्रोवर्टिकल डिस्क का बैरूनी हिस्सा पानी खुश होने की वजह से सख्त हो जाता है और एनवल रिंग्स पर अगर ज्यादा वजन या झटका लगे तो एनवल रिंग्स टूट जाते हैं और न्यूक्लियस से निकलने वाले जेली नुमा पानी को रोक नहीं पाते। पानी की कमी के बायस डिस्क डिहाइड्रेशन का मसला पैदा हो जाता है। मैं डॉक्टर ताहिर साहब का टीवी से प्रोग्राम देखा, उस तो बाद इंशाल्लाह मैं उनके पास गया जी,
तीन ते चार महीने के अंदर अंदर मैं दवाई खाता रहा। अलहमदुल्ला इस टाइम मैं बिल्कुल फिट हो गया। मैं फिर अपनी फील्ड लकड़ी से काम कर। मेरा नाम आसिफ हुसैन भट्ट है, मैं बिजनेसमैन हूँ। काफ़ी अरसे से मेरे झटका पेन डायग्नोज थी, काफ़ी मैं हॉस्पिटल्स में गया, प्राइवेट भी दिखाया, तमाम ने रिकमेंडेशन दी थी कि आप ऑपरेट करवाएं, लेकिन मेरे एक दोस्त थे उन्होंने डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब को रिकमेंडेशन दी कि आप उनके पास जाएं, उनसे दवाई लें, इंशाल्लाह आप बेहतर होंगे। मैंने ऐसा ही किया और डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब के पास गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 महीने दवाई खाई और अब मैं मुकम्मल सेहत याब हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिसको ये शट का पेन है वो अपने ऑपरेशन से इतजनाब करें और डॉक्टर ताहिर इकबाल से मुलाकात करें और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती इंशाल्लाह जरूर अता फरमाएगा। मेरा मोहम्मद गुजार है और मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, काफी 24-25 साल से चला रहा था और शदीद दर्द रहती थी मेरी कमर में और मोहरों के इलाज के लिए मैं काफी जगह पे गया हूँ, हॉस्पिटल में, हकीमों के पास भी, और मुझे कहीं से शफा नहीं मिली। फिर इनके पास इश्तहारा देखा डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब का, इनके पास गया हूँ तो अल्लाह की रहमत है अब मैं बिल्कुल फिट पाट और तंदुरुस्त हूँ, अल्लाह की बहुत रहमत है। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद रियाज है, मेरी उम्र तकरीबन 65 साल है और मैंने मुझे यह पट्ठों की कमजोरी का मसला था, मेरे हाथ पांव कांपते थे और मैंने काफ़ी डॉक्टरों से मशा किया, दवाई ली, लेकिन मेरा एक दोस्त ने मुझे मशा दिया कि आप ऐसे करें कि डॉक्टर ताहिर इकबाल के पास जाएं और उसको चेकअप कराएं। उन्होंने मुझे 1-2 हफ्ते की दवाई दी थी, मैंने वो इस्तेमाल की जिससे मुझे तकरीबन 25-30% फर्क पड़ा। फिर मैंने उनकी दवाई जारी रखी और इस वक्त इंशाल्लाह मेरी जो बीमारी है ना 80-85% ठीक हुई है। उसके बाद दवाई अभी भी मेरी जारी है और मैं अपने सारे दोस्तों को कहूँगा जिसको ये राशा और कमजोरी है वो डॉक्टर ताहिर इकबाल से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको शफा मिले। मेरा नाम मोहम्मद इल्ताफ मुगल है और मैं पिते दी पत्थरी का बड़ा प्रॉब्लम सी जिदी वजह दे नाल मैं काफ़ी परेशान सी और मैं डॉक्टरों नू चेक करवाया काफ़ी जगह से और उन्होंने यही मैंने एडवाइस किया कि जी एदा ऑपरेशन करवाना पेगा और मैं बड़ा परेशान सी कि यार ऑपरेशन तो मैं डर लगता सी। खैर मैं एक दफा प्रोग्राम देखा डॉक्टर ताहिर इकबाल का कोहे नूर चैनल पर, मैं किसी ने जो दसिया मैं फौरन वक्त कट के उन्होंने जाके मिले और अलहमदुल्ला उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया है और 3 महीने मेरे इलाज से लगा टाइम और अलहमदुल्ला मैं हूँ मुकम्मल ठीक हाँ। और मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि तुम अपना कीमती वक्त बचाओ और एक दफ़ा जरूर उन्होंने मिल लवो डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर इकबाल है, मैं स्पाइन के हवाले से काम करता हूँ होम्योपैथिक तरीका इलाज से। लोगों के जहन में ये एक बात है कि होम्योपैथिक में स्पाइन का इलाज नहीं होता, जबकि अगर कुछ इसमें मुबतला हो जाता है शटिका के मर्ज में तो उसे ऑपरेशन बता दिया जाता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में बगैर ऑपरेशन के कमर का इलाज मुमकिन है, जो लोग ऑपरेशन से खौफजदा हैं या जो लोग ऑपरेशन करवा चुके हैं वो भी होम्योपैथिक तरीका इलाज से अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन एक रिस्की अमर है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं और ये तकरीबन 90% ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं होते, जबकि हमारे तरीका इलाज में 90-95% बगैर ऑपरेशन के होम्योपैथिक तरीका इलाज से कमर का इलाज मुमकिन है। बहुत से लोग जो ऑपरेशन भी करवा चुके हैं लेकिन हमारे तरीका इलाज से उन्होंने रुजू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योर हुए हैं। शटिका आजकल एक आम बीमारी है जो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और इसमें ज़्यादातर ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया जाता है और लोग ऑपरेशन के नाम से ही खौफजदा हैं। हमारे तरीका इलाज में भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, जदीद होम्योपैथिक तरीका इलाज से इस डिज़ीज़ पे काबू बड़ी आसानी के साथ पाया जा सकता है। सर्वाइकल स्पंडोलाइटिस आजकल एक आम बीमारी है जो लोग मुसलसल गलत पोस्चर में बैठते हैं, टीवी देखते हैं 8-8 घंटे लेट कर या मोटरसाइकिल पे ड्राइव करते हुए कान और कंधे के दरमियान मोबाइल लगा लेते हैं, इसी दौरान कोई बाइक अगर आपकी किसी खड्डे में लगती है
तो क्योंकि खिंचाव पहले से आपके सर्वाइकल में आ चुका होता है और वो एक बहाना बन जाता है, और उसके बाद डॉक्टर उसका ऑपरेशन एडवाइज करते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन से बचें और होम्योपैथिक तरीका इलाज से अपनी कमर दर्द का, शटिका का, डिस्क स्लिप का इलाज करवाएं और ऑपरेशन से बचें। ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन करवाने के बाद भी लोग इस मर्ज में मुब्तला रहते हैं, और जो लोग ऑपरेशन करवा के भी ठीक नहीं हुए वो रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, वो मेडिसिन के जरिए बगैर ऑपरेशन के बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। ताहिर होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर मियां ताहिर इकबाल, एड्रेस 66 ग्राउंड फ्लोर अल लतीफ सेंटर, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग 3, लाहौर।